प्रदेश के कुछ पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों द्वारा हुड़दंग की घटनाएं सामने आने पर पुलिस महानिदेशक के निर्देश के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। बाहरी राज्यों से हिमाचल में प्रवेश करने वाले हर वाहन की पुलिस द्वारा गहन जांच की जा रही है। सिरमौर जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी पुलिस द्वारा पर्यटक वाहनों की नियमित रूप से जांच की जा रही है। पुलिस अधीक्षक खुशाल शर्मा ने बताया कि पुलिस का उद्देश्य पर्यटकों को परेशान करना नहीं है, बल्कि केवल शरारती तत्वों पर नजर रखना है। जो टूरिस्ट हिमाचल में घूमने आ रहे हैं, कोई शरारती तत्व हिमाचल में एंटर ना हो, उस दृष्टिकोण से जैसे कि पुलिस मुख्यालय से हमें निर्देश मिले हैं, जिला सिरमौर में भी चेकिंग हो रही है। हमारा उद्देश्य किसी टूरिस्ट को परेशान करना नहीं है, अपितु कुछ शरारती तत्वों के ऊपर नजर रखना है। इसके अलावा जो हमारे कोविड बिहेवियर है उसको इन्फोर्स करने के लिए लोगों को रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, बॉर्डर पे अवेयर भी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पर्यटकों को कोविड नियमों के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है। नियमों की अवहेलना करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।